लार्ड बेस दोनों को मिला देगा ना तो लोशन बन जाएगा। लोशन को भी इतना काट दोनों, हाँ, तो इससे गेप आता है, हाँ, ये पंपा में ना गेप आपके अपने बॉडी को क्या है, क्या ये कौन सा मटेरियल है? ये है किसी कंपाउंड है, स्विमिंग कंपाउंड, स्विमिंग कंपाउंड बोलते हैं, स्विमिंग कंपाउंड। जो गेप से वो फिलअप करता है, फिलअप करता तो वो फिर उसमें कितना ऑयल है, पेट्रोल ऑयल डीजल वगैरह जो फिलिंग करता है वो लिक्विड होने का काम करता है। वाओ, मटके बहुत सारे केमिकल खा लेते होते हैं, दो टाइप का ये हवा, अच्छा हवा इसके अंदर घुस जाता है, छोटा मोटा फूल हो जाता है, इतना टेम्परेचर का हवा इसके अंदर, फिर हवा के अंदर कहीं लीकेज है तो हवा बाहर ही निकलेगा, बाहर निकले तो मालूम पड़ेगा ये लीकेज है। मगर हवा किधर से जाएगा अंदर, है ना, एक पाइप लगा है ना, एक आता के लिए ये जो है ना ये दोनों जो मतलब जो आता है ना इसका जो वो अंदर का उससे में ना खुला रहता है ना इधर, हाँ राइट राइट, तो हवा बंद किया तो हवा इसके अंदर गया भर गया, ये हवा का मतलब फुल हो गया, फुल लगने के बाद यहाँ पे पानी गिराएगा, फिर जहाँ पे होल है वो हवा तो उधर ही जाएगा ना, और पानी डालेगा तो पता चल जाएगा, जैसे साइकिल ट्यूब। अभी फिर आप फिलअप का मतलब उसके अगर लीकेज रहा इन केस तो उसको क्या करेंगे आप? उसको रीफिल करेंगे, मतलब एक मेन पार्ट का एक पार्ट होगा आपका, वो जो ऊपर का और नीचे का बनाने का दूसरा वो अलग पार्ट रहेगा ना, वो मशीन से बनता है, वो मशीन से ये क्या पेंटिंग होता है, पेंटिंग प्रोफेशनल है, घूमेगा इसी किधर है? अच्छा अपन को करना है, मेरे को लगा ऑटोमेटिक यहाँ पे वो ओवन है, हाँ 35-40 का ये पूरा क्या नहीं ये पेंटिंग बोल रहे ओवन है, खाली बगून है रे दो टाइप का ओवन है, एक एलडीओ है, एक एचपी गैस है, एलडीओ बोला तो लाइट डीजल पेट्रोल ऑयल है, इसी में चलता है ये गैस में चलता है, यहाँ पे पेंटिंग हुआ और वहाँ से निकाला टेम्परेचर, ये भी कुछ
अगर आप मतलब आपका प्रोडक्शन रेगुलरली कंटिन्यूस रहता है, क्योंकि अगर अगर इनके तो कभी ओपी नहीं मिली तो ऐसा हाँ। और बाकी फूड का सीजन चालू हो जाएगा ना तो एक दिन का 1200-2000 कैपेसिटी बढ़ा। एक ड्रम की कीमत कितनी होगी? एमआरपी है 1200-1400 से है क्वालिटी की। अच्छा, वर्किंग आवर्स कितने घंटा काम करते? 8 घंटा रहता है। 8 घंटा अपने को एक ड्रम बनाने में कितना खर्चा होगा? होता है 800-900 रुपया आता है, 200-300 रुपया निकलता है एक मिनट के बाद, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन कोई पार्टी देता है इंक्लूड होगा, सब इंक्लूड है। कोई पार्टी ट्रांसपोर्टेशन दिया तो दिया, नहीं तो फिर आप उनको देना पड़ता है। अभी मार्केटिंग इतना बढ़ गया है, कंपटीशन ज़्यादा है, आप उनको 2 पैसा किधर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 पैसा छोड़ना पड़ता है। एसर का जो स्किल आता है वो जो सीट दिखी है उतनी सीट आती है, एक्चुअली हमारा प्रॉफिट थोड़ा छोटा है। ये बटन ना बताओ, तो सर्कल करता है, सर्कल करता है, ये हो गया अभी क्या है, अभी ये सर्कल में आता है, ये स्क्वायर में आता है, ये हो गया तुम्हारा, तो ये जो ये सब है ना वो हीरो होंडा कंपनी वगैरह सब चला जाता है, चलो साइकिल वगैरह वो फिर वेट के हिसाब से वजन तो सब वजन के हिसाब से उन लोगों को पार्ट तो बनाना है, वो भी कितना नहीं देता उन लोगों को। और आपको जो सीट आती है वो वजन के हिसाब से आएगा? वजन के हिसाब वो स्ट्रिंग बहुत काम करता है ये तो ऑयल, ये अभी थिनर है, थिनर नहीं ये एक VIP कोर्ट का है के मेटल जैसे ब्रास जो है ना, अभी सोना है बाजार में, सोना मिलता है, सोना का ऊपर कोटिंग हो जाता है, डायमंड वगैरह जो कोटिंग होता है अभी जो इधर में जो है ना उसके अंदर कुछ अल्मीनियम होता है उसके ऊपर गोल्ड होता है, ऐसा मतलब जो एक्चुअल मेटल है पानी रखा तो शुद्ध रहता है, ये कम से कम 2-3 साल का गारंटी है, निकालेगा नहीं जंग लगेगा, वो निकलेगा तो फिर मेटल तो जंग लगेगा। ठीक है, ज़्यादा करिए हम लोगों ने ऑइल शैम्पू बहुत सारा प्लांट नहीं म्हणजे कसं आहे यांचं स्वतःच प्रोडक्शन आहे ते सगळं ऑइल आहे, गांधार ऑइल बंबई में तलोजा में के है, वो तो बहुत बड़ा सप्लायर है हमारा, कामानी ऑइल बंबई में है, सब ऐसा बहुत सारा पार्ट है। फिर ये ज़्यादा करके हम लोगों में ना केमिकल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये ढक्कन कहाँ जा रहे हैं? क्या क्या हो रहा है उसका ये प्रोसीजर? लेकरिंग होता है, लेकरिंग कोटिंग होता है, हाँ ताकि कोटिंग होगा ना और ये पानी जंग नहीं लगेगा। अच्छा, तो उसको ये ओवन है क्या? है ओवन में, ये हमारे यही ढक्कन है ना जो अभी डिमांड में। हाँ, वो पार्टी का रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से बनाना पड़ता है, वो पार्टी कौन सी केमिकल बनाता है, क्या चीज बनाता है, उसी साल भर चलता होगा, ऐसा कुछ पीरियड नहीं होता, एक क्वालिटी नहीं बनता, कम से कम 20 क्वालिटी बनता है। ये ओवन है बोले ना? ये ओवन
ये है कि इंक बनाना ये पार्टी इसके वजह से क्या होता है ये प्रिंट है इसके ऊपर हाँ प्रिंट बना देगा क्या ये वाला इधर क्या है उसका सीलिंग ऑलरेडी बन के होता है वो सीलिंग वाला दिखाया उधर ये जो है ना अपना इसमें लगा दे पत्रे में कवर वो ये पाइप वाला हाँ ये क्या वो एल्यूमिनियम है नहीं वो मेटल है इसको जिंक प्लेटिंग हुआ है अच्छा जिंक प्लेटिंग सीलिंग का जो